आज मैंने अपने घर में ऐसा क्या कर दिया कि लोग मुझे घूर कर देख रहे हैं। राम राम भाई, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई आज मैं जा रहा हूँ आम का कटहल का पेड़ बैठाने के लिए। आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो का मजा लें। सुबह के 8 बज चुके हैं। आज मैं एक काम करने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में खुरपा है। आज मुझे पेड़ बैठाना है क्योंकि हमारे यहाँ आम के पेड़ ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए आज हम लोगों ने पेड़ बैठा रखे हैं। उसको खोद कर दूसरी जगह पर बैठाएंगे। भाइयों, ये है आम का पेड़ और ये है कटहल का पेड़। इन दोनों को अलग ही बैठाना है मुझे, तो चले इनको खोदते हैं, पहले देखते हैं। तो गाइस, फाइनली दोनों पेड़ मैंने उखाड़ लिए हैं क्योंकि भाइयों बरसात का सीजन है। ज़मीन पूरी गीली हो चुकी है, देखिए जड़ से मैंने इनको खोद लिया है। चलते हैं जहाँ इनको बैठाना है वहाँ पर चलते हैं लेकर। भाइयों, हमारे यहाँ कटहल के आम के पेड़ ख़त्म हो चुके थे, इसलिए हमें नया पेड़ बैठाना है। और बरसात का सीज़न है, आप लोगों को पता होगा बरसात के सीज़न में ही आधे से ज़्यादा पेड़ बैठाए जाते हैं। लगने में आसानी होती है उनको क्योंकि भाइयों धूप भी कम होती है और पानी भी पाते रहते हैं, क्योंकि बरसात में बरसात ज़्यादा होती है, इसीलिए पेड़ जो हैं हरे भरे रहते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल हरे भरे हैं। इनको मैं बैठाऊँगा, आ चुका हूँ जहाँ पर मुझे बैठाना है। भाइयों, ये जो भाइयों मेरे घर के ही पास में थे, तो भाइयों बाद में दिक्कत देते, इसलिए मैं इनको खोद कर दूसरी जगह पर बैठाना है। मैं आ चुका हूँ जहाँ पर बैठाना है। भाइयों, ये वो ज़मीन है जहाँ मुझे लगाना है पेड़ को, पर मैं पेड़ लगाऊंगा। भाइयों, पानी आ चुका है, चलते हैं गड्ढा खोदते हैं बैठाने के लिए। देखे खुरपा भी ला चुका हूँ मैं। तो गाइस, फाइनली गड्ढा खोदा जा चुका है। गड्ढे में मैं पानी डाल रहा हूँ। पानी डालने के बाद थोड़ा सा मैं उसमें मिट्टी भी डाल दूंगा। मिट्टी डालने के बाद मैं उसे पानी में मिलाऊंगा, फिर मैं पेड़ को बैठाऊंगा। तो गाइस, फाइनली हमारा पूरा काम हो चुका है और मैं आम का पेड़ बैठाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने गड्ढे में आम का पेड़ रख दिया। इसके बाद मिट्टी डालूंगा और फिर चलते हैं कटहल का पेड़ बैठाने के लिए। तो गाइस, फाइनली कटहल का गड्ढा जो है खोदा जा चुका है। जिस प्रकार से मैंने आम का पेड़ बैठा है, उसी प्रकार से मैं कटहल का पेड़ बैठाऊंगा। आप लोग वीडियो देखते रहें। तो गाइस, फाइनली दोनों पेड़ मैंने बैठा दिया। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि दोनों पेड़ देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों, फाइनली मेरे दोनों पेड़ लग चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, इधर आम का पेड़ है, उधर कटहल का पेड़ है। हवा बहुत तेज चल रही है भाई, इनका कुछ सपोर्ट भी कर देते हैं कि हवा में रुके रहे, गिरे ना पेड़। छुट्टे जानवर से बचाने के लिए कुछ इसमें सपोर्ट किया जाए। तो भाइयों, मैंने इसको देसी जुगाड़ में इसमें साड़ी बांध दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना।